बॉलीवुड और टीवी शोज की न्यूज चाहिए तो सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। बिग बॉस का ये 13वां सीजन वाकई में काफी टेढ़ा नजर आ रहा है, क्योंकि पहले मेकर्स ने कहा था कि इस हफ्ते होंगे डबल इविक्शन, जिसमें एक लड़का और एक लड़की घर से बेघर होंगे। इसके बाद मेकर्स ने अपना डिसीजन चेंज करते हुए कहा कि इस बार घर की कोई भी लड़की इविक्ट नहीं होगी, दो लड़के इविक्ट होंगे। लेकिन इसके बाद फिर से मेकर्स का डिसीजन चेंज हुआ और उन्होंने कहा कि अब सिर्फ एक ही एलिमिनेशन होगा। जी हाँ, मौत के हिसाब से अब मलिक को सबसे कम वोट मिले हैं और वहीं लड़कियों में सबसे कम वोट मिले माहिरा शर्मा को। लेकिन माहिरा शर्मा को अब मलिक और सिद्धार्थ डे से ज्यादा वोट मिले और उन्हें इस तरीके से इविक्ट करना उनके साथ नाइंसाफी होगी, इसलिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना दोनों लड़कों को इविक्ट कर दिया जाए। लेकिन सिद्धार्थ डे अब काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, दर्शक उन्हें पसंद भी कर रहे हैं, ऐसी कंडीशन में उन्हें भी इविक्ट कर देना सही नहीं होगा। उसके बाद घर की लड़कियों से वोट मांगे गए एंड देन सबसे ज्यादा वोट मिले अब मलिक। सलमान खान रिवील करते हैं कि लड़कियों के वोट्स और दर्शकों से मिले वोट्स के आधार पर अब मलिक को सबसे कम वोट मिले हैं और इस हफ्ते अब मलिक बिग बॉस के घर से हो गए हैं बेघर। बिग बॉस के टेढ़े सीजन की और भी कई टेढ़ी खबरें यूं ही जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।